बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम साल का आखिरी चांद ग्रहण लग चुका है। वो घड़ियां आ गईं, वो लम्हे आ गए, वो वक्त आ गया कि चांद ग्रहण अब अपनी आंखों से देख सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक हब मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों का दिल था। अल्लाह का कुरान, पूरे कुरान का निसफ 15वां सपारा जब शुरू होता है तो कुरान के अंदर लफ्ज़े अक्सा सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दे ही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कुरान के अंदर मस्जिद अक्सा का नाम मौजूद है। और ये वो मस्जिद अक्सा है जब अल्लाह के पैगंबर, सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के सरदार खातमुन नबीयीन शफीउल मुज़नबीन इमाम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से मुलाकात के लिए अल्लाह ने दावत दी अपने पैगंबर को, तो कुरान कहता है कि सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दे ही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। लैलम, लैल का मस्जिद रात होता है, और मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक अल्लाह का कुरान कह रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैंने शेयर कराया। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा वो मकाम है जब अल्लाह को मिलने के लिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस दुनिया से गए अर्शे बरीन पर, तो मस्जिद अक्सा का नाम है। वहाँ से होकर उसकी ताज़ीम, उसकी हुर्मत, उसका मकाम आपकी आंखों के सामने है। ये मस्जिद मुसलमानों के दिल के साथ इसका ताल्लुक है। जो यहूदी, जो काफर,
जो मुनाफिक इस मस्जिद की बेहरमती करेगा वो समझ ले कि वो मुसलमानों के ईमान के साथ मस्ती कर रहा है, उसके साथ लड़ रहा है, उसके साथ वो मुकाबला कर रहा है। आज मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाने वाले यहूदी, मुसलमानों के ममालक बेशुमार हैं, यहूदियों के ममालक भी हैं, लेकिन यहूदी सब इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन मुसलमान अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो सके। क्या वजह है? वजह मैं बताता हूं, वजह यह है कि हम फिरकों में बांट चुके हैं। हमारे पास वो तालीम नहीं, हमें कुरान के समझने का वो मौका ना मिला, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को समझने का मौका ना मिला, जिसकी वजह से मुसलमान पारा पारा हो चुके हैं। एक एक मार खा रहा है यहूदी से और जुल्म सह रहा है, बच्चों को शहीद करा रहा है, बच्चियों को शहीद करा रहा है, बुजुर्गों की तोहीन करा रहा है। सिर्फ एक बात समझ लो, अल्लाह का कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान था कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म दिया था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरके में ना पड़ो। आज मुसलमान फिरका परस्ती का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से आज मस्जिद की बेहरमती हो रही है। नाज़रीन, आज रात चांद ग्रहण शुरू हो चुका है, साथ काम कर अभी से, वरना वक्त चला जाएगा। बावजू होकर सबसे पहले 3 बार दुरूद पढ़ो, दूसरे नंबर पर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बे वातूबु अलैह 3 दफ़ा पढ़ लो। इसके अलावा इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, अल्लाह तू हर चीज़ पर कादर है, इसको भी 3 दफ़ा पढ़ लो। चौथे नंबर पर अल्लाह के सामने एक दुआ पढ़ो कुरान की, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंत मिन ज़ालिमीन। और इसके बाद 33 दफ़ा दुआए फातिमिया, हजरत फातिमा तो ज़हरा को एक अल्लाह के नबी ने उनको तोहफा दिया, 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, आखिर में फिर 3 मरतबा। इस चांद ग्रहण के मुज़िर असरात से बच जाओगे और पूरे उम्मत मुसलमा को नफ़ा होगा। अल्लाह पाक हम सब अमल की तौफीक अता करे।